नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में जो कि है दोनों वाला एस। आज हम फिर से आ चुके हैं मेरे साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिल के बारे में। तो एक्सिल यानी कि पैडल का जो मेन एक्सिल होता है उसको कैसे डिग्रीज करके ग्रीस किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों का स्पीड अप का इशू होता है या फिर बहुत लोगों का साइकिल जो बहुत ही ज्यादा टाइट फील होता है या फिर उनको पैडल करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। तो उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और वैसे बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि उनको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो को लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको मेरा ज्ञान लेना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आज मैं आप लोगों को इन एक्सिल्स का जो ग्रीस का रिप्लेसमेंट होता है या फिर इनको कैसे फिक्स किया जाता है ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। या फिर आपका अगर कोई भी इशू है, स्पीड अप का इशू है या फिर आपका जो साइकिल है वो टाइट है, बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ होती है पैडल करने में, तो इसमें आपको शायद इसका सोल्यूशन हो सकता है या फिर बहुत सारे डिफरेंट रीजन भी हो सकते हैं। उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियोज़ बनाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हो। तो ज़्यादातर लोगों का जो पैडलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है या फिर उनको स्पीड अप करने में बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन होता है इस एरिया में, इस छोटे से एरिया में। अगर इस एरिया को आप क्लियर कर देते हो तो वो जो पैडलिंग है या फिर आपका जो स्पीड अप है वो आसानी से हो जाएगा, आपका पैडलिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ कुछ स्टेप आपको अप्लाई करने होते हैं इसको क्लीन करके फिर से ग्रीस लगाने के लिए। और अगर आप चाहो तो उसमें नया एक्सिल लगा सकते हो या फिर पुराना वाला ही यूज़ कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सिल्स का कैसा कंडीशन है या फिर आपका जो स्क्रूज है, जो मेन नट्स होता है या फिर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक्सिल्स के पोर्शन का, तो उनमें क्या क्या कंडीशन उन चीजों का है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप नया लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो सबसे पहला एक प्रिकॉशन होता है जो कि आपको अप्लाई करना होता है अगर आपका मेरे जैसा कंडीशन है तो मेरे जैसा कंडीशन इन द सेंस, मेरा यहाँ पे आप स्क्रू देख सकते हो, ये जो स्क्रू है ये मेरा जो एक्सिल है वो थोड़ा सा स्मूथ हो चुका था, इसीलिए मेरा जो पैडल है वो बहुत ही ज्यादा इधर उधर जा रहा था, मतलब थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा था या फिर मुझे चलाने में तकलीफ हो रही थी। तो इसीलिए मैं एक साइकिल की दुकान पे लेके गया इसको, तो उन्होंने इसको जोर जबरदस्ती से मतलब टेढ़ा करके, जो सीधा घुसाना होता है उसको टेढ़ा करके घुसा दिया ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है वो फिलअप हो जाए, पर ये आपको नहीं करना है। और जो जिसकी वजह से ये जो कंडीशन हुआ मेरे साइकिल का या फिर ये पैडल एरिया का कि मुझे इसको निकालने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया, पहले तो मैंने इसको निकालने की कोशिश की, ये नहीं निकला और ये ऊपर से बेंड भी हो गया तो और भी ज्यादा फंस गया ये अंदर से, और फिर मैंने इसको काट के निकालने की कोशिश की फिर भी नहीं हुआ, तो उसके बाद मुझे ले जाना पड़ा इसको साइकिल की दुकान में। तो ये इसका रीजन था क्योंकि मैंने नीचे से कोई भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ऐसा है कि आपका जो स्क्रू है वो जोर जबरदस्ती से आपने घुसाया पहले, तो उसको निकालने के लिए आपको नीचे एक सपोर्ट देना होता है, उसके बाद उसको हैमर करना होता है ऊपर से, तो वो आसानी से बाहर निकल के आ जाएगा, वरना आपका ऐसा कंडीशन हो सकता है कि आप उसको नहीं निकाल पाओ क्योंकि आपके पास सारे के सारे टूल्स तो नहीं होते क्योंकि ऐसे फंसे हुए नट्स निकालने के लिए। तो इसीलिए ये छोटा सा एक टिप है। तो इसके बाद इन स्क्रूज को निकालने के बाद आपका जो पैडल्स है या फिर जो आपका जो पैडल का स्टेम्स है वो आसानी से बाहर निकल के आ जाएगा, या फिर जो राइट साइड का आपका जो स्प्रॉकेट है वो भी आसानी से बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसके बाद आप देखोगे कि दोनों तरफ एक्सिल के एंड्स आपको दिखेंगे और दो छोटे छोटे स्क्रूज दिखेंगे या फिर सर्कल टाइप का कुछ दिखेगा। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, जहां पे आपका मतलब जो जिस साइड पे आपका स्प्रॉकेट रहता है उसके उल्टे साइड से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सर्कल टाइप का या फिर रिंग टाइप का दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे खोल सकते हो, एक आप स्क्रू ड्राइवर ले सकते हो या फिर एक स्पेसिफाइड टूल भी होता है, उसका पिक्चर में दे दूंगा। तो एक स्पेसिफाइड टूल होता है, अगर आपके पास वो नहीं है जैसे कि मेरे पास नहीं है, तो आप एक स्क्रू ड्राइवर ले सकते हो और एक हैमर ले सकते हो, उससे आप इसको खोल सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है उल्टे डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको खोलना है। मतलब अगर आप इसको प्रेशर अप्लाई करोगे इस छोटे से एरिया में, मतलब यहाँ पे जो गैप है उसमें आपको स्क्रू ड्राइवर रखना है और उसको प्रेशर अप्लाई करना है, तो ये आसानी से खुल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो एक कप टाइप का दिया हुआ है ये सर्किल टाइप का, तो इसको आपको हाथ से ही खोल देना है क्योंकि ये उतना ज्यादा भी हार्ड नहीं रहता, और बहुत ही ज्यादा अगर हार्ड रहता है तो थोड़ा सा हल्का सा इसको हैमर करना है ताकि जो ग्रीस होता है या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि जमा हुआ होता है वो थोड़ा सा लूजन अप हो जाए, और उससे क्या होगा कि आपको इसको खोलने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर भी अगर नहीं खुले तो आप थोड़ा सा केरोसिन ऑयल ऐड कर सकते हो ताकि जो ग्रीस होता है और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से निकल के आ जाए, और उसके बाद आप देखोगे कि आप इसको आसानी से खोल सकते हो। और इसको खोलने के बाद आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत सारे बॉल्स है, तो बॉल्स को आपको साइड करके रख देना है, और उसके बाद हमें आ जाना है दूसरी तरफ, और उससे पहले आपको इसका एक्सिल
एक्सिल निकाल लेना है, जो कि मैंने बाद में किया था, आप कभी भी कर सकते हो। मतलब इसको निकालने के बाद आपको एक्सिल निकाल लेना है, और उसके बाद आप आ जाते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा नट टाइप का दिया हुआ है, तो इसको भी खोलने के लिए एक स्पेसिफाइड रेंज होता है, जो कि मेरे पास नहीं है ऑब्वियसली। या फिर आप एक एडजस्टेबल रेंज भी यूज कर सकते हो, जो कि बड़े साइज का होता है, जो जिसका साइज मैं स्क्रीन में दे दूंगा, उसका साइज मुझे नहीं पता, पर मेरे पास छोटा साइज का है तो उससे ये फिट नहीं हो रहा। और वैसे एक ऐसा टाइप का एडजस्टेबल रेंज भी है, ये ज्यादा लोग यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोटा है, पर मेरे पास अभी यही है तो यही मुझे यूज करना होगा, पर वैसे ये फिट नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, इसको मतलब ये एकदम बहुत ही ज्यादा टाइट हो रहा था, तो इसीलिए मैंने एक हैमर लिया और इसको जैसे तैसे इसके अंदर घुसाया, थोड़ा थोड़ा करके इसको लूजन अप किया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर अगर आप टूल्स खरीदना चाहते हो, या फिर आपको अगर टूल्स चाहिए, या फिर अगर आपके पास है एडजस्टेबल रेंज, बड़ा वाला एडजस्टेबल रेंज, तो उसी से आप खोल सकते हो, बहुत ज्यादा आसानी से खुल जाएगा। थोड़ा सा शायद प्रेशर देना हो सकता है, या फिर आप केरोसिन ऑयल भी अप्लाई कर सकते हो। और इसको खोलने के बाद भी आप देखोगे कि इसके अंदर भी बॉल्स है, तो उनको भी आपको साइड करके रख देना है, क्योंकि वो हमारे बाद में काम आने वाली है, सारी चीजें हमारे बाद में काम आने वाली है। तो सभी चीजों को निकालने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि अंदर बहुत ज्यादा गंदगी है, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। जो बॉल्स यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसा आपको नहीं दिखेगा, आपको बहुत ज्यादा काला काला दिखेगा, या फिर आपका बॉल्स दिखे ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से बॉल्स है और कौन सा ग्रीस है, तो क्योंकि वो मिक्स हो जाता है एक साथ। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंदर बहुत ही ज्यादा गंदा है, तो इसको आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप केरोसिन ऑयल यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास केरोसिन ऑयल प्रेजेंट में नहीं है तो आप एक नॉर्मल पेपर या फिर नॉर्मल क्लॉथ भी यूज कर सकते हो, और अच्छे से अंदर का जो पोर्शन है उसमें से ग्रीस और जो डर्ट होता है उसको आप अच्छे से बाहर निकाल लो, और उसको अच्छे से क्लीन कर लो एरिया को, ताकि आप नया ग्रीस अप्लाई कर सको और कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसमें। अगर आप अच्छे से क्लीन करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी बाद में, और आप या तो ब्रश भी यूज कर सकते हो, उससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे आ जाते हैं पुराने पार्ट्स पे, या फिर मतलब एक्सिल के पार्ट्स पे। आप या तो नया एक्सिल लगा सकते हो, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, बट अगर आप पुराने चीजें लगाओगे, मतलब पुराने एक्सिल्स लगाओगे, तो आपको अच्छे से उनको क्लीन करना होगा। वैसे आप थोड़ा सा केरोसिन ऑयल लेके, या फिर जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास प्रेजेंट में केरोसिन ऑयल अवेलेबल नहीं है, तो आप नॉर्मल पेपर टॉवल या फिर आप नॉर्मल एक न्यूज़पेपर से भी इसको क्लीन कर सकते हो, या फिर नॉर्मल एक कॉटन क्लॉथ से भी इसको क्लीन कर सकते हो, आसानी से वो क्लीन हो जाएगा। पर कोई भी डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए इसमें। और उसके बाद आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे नया एक्सिल इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आप अगर नया एक्सिल इंस्टॉल करना चाहते हो और नए बॉल्स इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। वैसे मैं बॉल्स जो है वो पूरा नहीं रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे बॉल्स का कंडीशन अच्छा है, और एक्सिल जो है वो मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर ये कुछ ऐसी चीजें, ये तीनों रिंग्स रहती है, और ये कप टाइप का रहता है, और ये एक्सिल रहता है मेन एक्सिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने एक्सिल में कुछ कुछ मार्क्स आ चुके हैं, तो ये मार्क्स होता है जो रबिंग होता है बॉल्स का उनका, और ये नए एक्सिल में ये मार्क्स नहीं है, तो यही कंडीशन होता है। तो मेरा एक्सिल जो है वो पुराना वाला वो ठीक ही है, बट वो थोड़ा सा लूज बैठ रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, वरना चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप पुराना वाला ही आराम से लगा सकते हो। तो इसके बाद आ जाते हैं इसके इंस्टॉलेशन पे। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको ग्रीस चाहिए होगा, आपके पास अगर ग्रीस नहीं है तो आपको एक ग्रीस तो चाहिए होगा ऑब्वियसली। आप कोई भी ऑयल मत यूज कीजिए, ऑयल से नहीं होगा, क्योंकि ग्रीस आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करना होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, लेफ्ट साइड से मैंने खोला था, और वैसे ही आपको लेफ्ट साइड से शुरू करना होगा। तो सबसे पहले वो जो छोटा कप है, या फिर जो थ्रेडेड कप है, वो उसको आपको लेना है, उसके अंदर अच्छे से आपको ग्रीस को लगा देना है, जैसे कि मैंने व्हील हब वाले वीडियो में भी दिखाया था, वो उसको भी मैंने ग्रीस लगा के फिर से बॉल्स लगाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप जगह उसको चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने बताया कि व्हील हब्स को कैसे डिग्रीस करके ग्रीस करना है, और यहाँ पे वैसे ही आपको यहाँ पे ग्रीस लगा देना है। और उसके बाद जो बॉल्स है, यूजुअली दोनों तरफ 10 बॉल्स रहते हैं, 10 टू 9 बॉल्स रहते हैं, और कभी कभार घूम जाता है एक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 9 टू 10 बॉल्स रहने चाहिए, यूजुअली वही फिट होता है इसमें। और ग्रीस के अंदर आपको ऐसे बॉल्स को फिट कर देना है, और उसके बाद इसको फिर से क्लॉकवाइज घुमा के लगा देना है, और उसके बाद आपको ये जो रिंग है इसको भी लगा देना है आसानी से। और ये कप लगाने के बाद आपको उसका रिंग को भी उसी तरीके से आपको इंस्टॉल कर देना है, और उसको टाइट करने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर और हैमर का यूज कर सकते हो, ये सबसे आसान तरीका होता है, वो एक्स्ट्रा टूल आपको जरूरत नहीं होता। और उसके बाद आ जाते हैं राइट साइड पे, जो कि है हमारा गियर का साइड। तो यहाँ पे ये जो मतलब यहाँ पे जो नट टाइप का है या फिर कप टाइप का है, इसमें भी आपको सेम प्रोसीड्यूर से ग्रीस इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो बॉल्स होते हैं उसको भी एकदम राउंड करके और सर्किल करके उसको इंस्टॉल कर देना है। पर एक चीज में बताना भूल गया कि ये जो इसका लगाने का तरीका होता है, इसका डायरेक्शन जो है या फिर रोटेशन जो है वो उल्टा है। ये जो टाइट होता है ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको टाइट करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, और इसको खोलने के लिए आपको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। ये मैंने पहले नहीं बताया, तो इसीलिए मैं
मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसको टाइट कर देना है और मैं वैसा ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इसको आपको वैसे ही इसको टाइट कर देना है और मैं वैसा ही जो मैंने रेंच यूज किया था और हैमर यूज किया था उसको ही मैं यूज कर रहा हूँ। यही सबसे आसान तरीका लगा मुझे। और इसको अच्छे से टाइट करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना होगा कि सारी चीजें टाइट है या नहीं, क्योंकि पैडल्स लगाने के बाद आप इसको चेक नहीं कर पाओगे। तो इन चीजों को चेक करने के बाद आप इसमें पैडल्स इंस्टॉल कर सकते हो। तो पैडल्स जो है वो आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो होल्स रहते हैं उनमें सिर्फ आपको एक्सिल को घुसा देना है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और एक्सिल में जो गैप्स रहते हैं उनके हिसाब से आपको अलाइन करना है जो स्क्रूज रहते हैं। वैसे मैं नया स्क्रूज लेके आ चुका हूं और पुराने जो स्क्रूज है वो मैंने फेंक दिया, क्योंकि उनको जैसे कि मैंने बताया उनको जबरदस्ती घुसाया गया था तो इसीलिए वो बेंट हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं नया स्क्रूज लाया हूं। यूजुअली आपको नए स्क्रूज यूज करने चाहिए और उन गैप्स में आपको इन स्क्रूज को इंस्टॉल कर देना है। कभी कभार जो गैप्स है वो फिल नहीं होता, जैसे कि मेरा यहाँ पे, क्योंकि ये जो पैडल है क्योंकि उन्होंने जोर जबरदस्ती से इसको घुसाया था तो ये जो होल है मेरा पैडल का या फिर पैडल का जो स्टेम है उसके जो होल है उसके अंदर का तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसीलिए जो स्क्रू है वो फिट नहीं हो रहा, तो ये भी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप मैकेनिक के पास जाओ तो उनसे ये कहना कि मेरे साइकिल को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जोर जबरदस्ती से इसको करते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए। और इन स्क्रूज को लगाने के बाद आपको इनका जो नट होता है उसको फिर से लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे डीग्रीजिंग और ग्रीजिंग प्रोसीड्योर है कम्प्लीट हो चुका है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पैडल है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली आपका जो पुराना ग्रीज है वो निकल चुका है और नया ग्रीज आ चुका है, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ही ज्यादा स्मूथनेस आ जाएगी, आपको पैडल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी और आपका जो स्पीड अप का इशू था वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और अगर किसी का आवाजें आती थी या फिर उनका जो पैडल है वो इधर उधर घूमता था या फिर थोड़ा सा वाइब्रेट करता था और थोड़ा सा डक 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 करके आवाज आता था, सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है ये जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। और अगर फिर भी आपका जो साइकिल वो स्लो डाउन होने लगता है तो वो ब्रेक्स की वजह से हो सकता है और भी ज्यादा रीजंस की वजह से हो सकता है, तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में आएगा, आप ये वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। उस पे मैंने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि कौन से रीजन की वजह से आपका साइकिल जो है वो स्लो डाउन होता है और कैसे आप उसको स्पीड अप कर सकते हो। तो यही था मेरा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया लाइक जरूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटे बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कॉन्टेंट और भी देखना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। और इसी के साथ इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। तो दिस इज योर बॉय लोन राइडर एस साइनिंग आउट।